Hello, students. Welcome to our Champions Educator YouTube channel. In this, we are going to start with a very interesting subject, which is Science and Technology Part 1 for Standard 10. In which, we are going to start with a very easy lesson from Science 1, which is Chemical Reactions and Equations. At the starting of the lesson, they have given some questions to us in the topic Can You Recall? So, what is our first question? वाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलीक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल्स के टाइप्स कौन से और कितने हैं उसके बारे में पूछा गया है लेकिन उससे पहले मालिक्यूल्स मतलब क्या होता है उसे जानते हैं तो मॉलिक्यूल्स का एकदम सिंपल मीनिंग होता है कि टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स कोर्स हर एक सब्सटेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एकदम स्मॉलेस्ट कंपोनेंट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है उसी हर एक पार्टिकल को ऐटम्स बोलते हैं तो वैसे ही दो या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कम्बाइन होकर एक बड़ा कंपोनेंट बनेगा जिसको हम लोग मोलिक्यूल्स बोलते हैं तो इसी मॉलिक्यूल्स के टाइप्स कौन से और कितने वो जानते हैं तो इस मॉलिक्यूल्स के टाइप है टोटल तीन सबसे पहला मोनो ऐटमिक सेकेंड इज डाई ऐटमिक एंड थर्ड इज पॉली एटमिक सो वॉट इज मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स गाइस सबसे पहले मोनो मीन्स वन डाई मीन्स टू एंड पॉली मीन्स मैनी सो मोनो एटमिक मॉलिक्यूल मीन्स वॉट तो मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एटम जो मॉलिक्यूल सिंगल एटम्स के कम्बाइनेशन से बनेगा उसे मोनो एटमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उसके एग्जाम्पल से हेलियम लिथियम क्रिप्टन ये हमेशा सिंगल एटम के फॉर्म में ही रहते हैं सेकेंड इज डाई ऐटमिक मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म फ्रॉम टू एटम्स इज कॉल्ड डाई मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल दो एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा उसे डाई ऐटमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं एग्जाम्पल से हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन क्लोरीन ये हमेशा दो एटम्स के कॉम्बिनेशन में रहते हैं और इसीलिए इनको डायटमिक बोलते हैं तो थर्ड टाइप इज पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स मतलब द मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म फ्रॉम मैनी एटम द मॉलिक्यूल विच इज़ फॉर्म फ्रॉम मैनी एटम्स आर कॉल्ड पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल दे हैव गिवन इज वाटर एंड फॉस्फोरस ये हमेशा मैक्सिमम ऐटम्स को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रखते हैं इसीलिए इनको पॉली एटमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं सेकेंड क्वेश्चन दे हैव आज दैट इज वॉट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले वैलेंसी इज अ कंसेप्ट ऑफ एटम्स सबसे के जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है एटम ये उनका कंसेप्ट है तो देखते हैं वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट और स्टेबल स्टेट किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है तो स्टेबलाइजेशन के लिए उसे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट मतलब गिव एक्सेप्ट मतलब रिसीव एंड शेयर करना पड़ता है तो उसी गिविंग एक्सेप्टिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो ये कैपेसिटी होती है उसी कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ हर एक एटम को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गिव एक्सेप्ट या शेयर करने पड़ते हैं उसी गिविंग एक्सेप्टिंग और शेयरिंग की कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं तो चलिए इसी को एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में सीखते हैं एग्जाम्पल के पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कौन है तो इलेक्ट्रॉन्स एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऑर्बिट के अंदर से घूमते रहते तो हर एक एटम के पास ऑर्बिट्स होते न्यूक्लियस के सराउंडिंग में तो उस ऑर्बिट्स की कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी है टू इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट की एट इलेक्ट्रॉन्स थर्ड की एटीन ऐसे ही हर एक ऑर्बिट की कैपेसिटीज़ है तो हाइड्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वन जो कि उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी है दो उसके पास है सिर्फ एक मतलब ये स्टेबल नहीं हुआ बिकॉज ऑर्बिट ही फुलफिल नहीं है तो उसे ऑर्बिट को फुलफ़िल करने के लिए और इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए एक मतलब उस ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन किसी और से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसी एक्सेप्शन की जो कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्टेट स्टेट सॉरी स्टेबलाइजेशन कंप्लीशन के लिए क्या किया एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी बनी वन सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आठ टोटल एट उनमें से फर्स्ट दो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में गए और बाकी के जो छः बचे वो सेकेंड ऑर्बिट में गए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है एट इलेक्ट्रॉन अगर उसके उस सेकेंड ऑर्बिट में एट इलेक्ट्रॉन्स होते तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा लेकिन उसके ऑर्बिट में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो सिर्फ सिक्स तो उसको ऑक्टेट के लिए और कितने चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स तो उसी दो इलेक्ट्रॉन्स को पाने के लिए वो किसी और से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेगा एक्सेप्ट करेगा तो उसने ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करने के स्टेबलाइजेशन होने के लिए किसी और से कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो आंसर इज टू तो उसी एक्सेप्ट accept किन एक्सेप्टिंग की कि जो कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग वैलेंसी तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बनी टू इलेक्ट्रॉन्स राइट सो वैलेंसी का यही मीनिंग है कि द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द ऑक्टेड स्टेट राइट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट चेंजेस इन मैटर वॉट इज़ मैटर फर्स्ट मैटर मीन्स द सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट तो इसी मैटर में इसी सब्सटेंस में क्या होते हैं चेंजेस होते हैं तो ये चेंजेस दो टाइप के हैं फर्स्ट इज फिजिकल चेंज सेकेंड इज केमिकल चेंज फर्स्ट वॉट इज फिजिकल चेंज तो फिजिकल चेंज के आपको मैं दो डेफिनेशन बताऊँगा फर्स्ट इज इन अ फिजिकल चेंज मैटर चेंजेज फॉर्म बट नॉट केमिकल आइडेंटिटी फिजिकल चेंज में क्या होता है जो भी कोई मैटर जो भी कोई सब्सटेंस है उसके फॉर्म्स चेंज होते हैं लेकिन उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती या फिर फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें चेंज होने के बावजूद हमें ओरिजिनल सब्सटेंस फिर से मिल सकता है तो चलिए इसी को हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में सीखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस अपने पास जो आइस होता है वो आइस किससे बना होता है वाटर से तो अगर आइस मेल्ट हो गया तो वो क्या बनेगा अगेन वाटर तो सब्सटेंस तो सेम है सिर्फ उसका फॉर्म उसका स्टेट चेंज हो गया है पहले कौन था सॉलिड बाद में क्या बना लिक्विड लिक्विड मतलब वाटर को अगर फिर से हम लोग फ्रीजर में डालते हैं तो फिर वो क्या बनेगा आइस मतलब एक्चुअल में वाटर सिर्फ उसका स्टेट चेंज होगा तो वो पूरा सब्सटेंस जो है वो उसकी केमिकल आइडेंटिटी सेम रख रहा है सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है इसका मतलब है क्या हो गया फिजिकल चेंज नेक्स्ट इज चॉपिंग वुड वुड को कट करना अगर हम लोग वुड को कट करते हैं तो वुड के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो तो वैसे रहेंगे सिर्फ उसका साइज या शेप जो है वो चेंज हो जाएगा मतलब इसमें भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी लेकिन केमिकल आइडेंटिटी वैसे के वैसे ही रहेगी इसीलिए ये भी क्या बनेगा फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज स्लाइसिंग ऑफ ब्रेड सेम लाइक चॉपिंग वुड इधर भी सेम ब्रेड जिस कंपोनेंट से बनते हैं वो ब्रेड की जो केमिकल आइडेंटिटी सेम रहेगी सिर्फ उसका शेप एंड साइज चेंज होगा तो ये भी क्या बना फिजिकल चेंज तो फिजिकल चेंज में ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो वैसे के वैसे ही रहता है सिर्फ उसके फॉर्म्स चेंज होते हैं सेकेंड क्या हो गया केमिकल चेंज इन अ केमिकल चेंज अ केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स अकर बाय केमिकल चेंज में होता क्या है तो केमिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमें एक न्यू प्रोडक्ट्स मिल जाता है चलिए एग्जांपल देखते हैं बर्निंग ऑफ वुड अगर हम ने किसी भी लकड़ी को अगर जलाते हैं तो जलाने के बाद आफ्टर बर्निंग ओके आफ्टर बर्निंग हमें फिर से वो लकड़ी मिल सकती है नहीं तो वुड को जलाने के बाद वुड के अंदर जो कार्बन्स है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से कंप्लीट वुड किसी और सब्सटेंस में चेंज होगा जो कि आयदर गोल या फिर ऐश बनेगा मतलब इसमें केमिकल चेंज में हमें ओरिजिनल सब्सटेंस फिर से नहीं मिल सकता सेकेंड इज रोटिंग बनाना जो भी बनाना खाते हैं ऑफकोर्स उसे पता होगा कि अगर बनाना हम हम लोग कुछ दिन ऐसे ही रख दे तो वो बनाना कंप्लीट काला पड़ जाता है ब्लैक हो जाता है क्यों बिकॉज बनाना का अंदर जो भी कोई केमिकल कंपोनेंस है उनमें केमिकल रिएक्शंस होती है और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से कंप्लीट बनाना ख़राब हो जाता है मतलब कंप्लीट बनाना दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है एंड द थर्ड इज़ फायर वर्कस और फायर क्रैकर्स फायर क्रैकर्स में क्या होता है अगर हम लोग किसी भी फायर मतलब पटाखे को अगर जलाते तो वो कंप्लीट बर्स्ट हो जाएगा बर्स्ट होने के बाद उसका न्यू सब्सटेंस में चेंज होगा लेकिन हमें फिर से उसमें ओरिजिनल सब्सटेंस मिलेगा नहीं तो ये जो सब एग्जाम्पल्स है वो किसके है केमिकल चेंज तो वॉट इज केमिकल चेंज केमिकल चेंज मतलब किसी भी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाता है तो चलिए यही सबके साथ हम और भी कुछ एग्जाम्पल्स फॉलो करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल उन्हें दिया इसमें हमें अभी क्या करना है तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में आइडेंटिफिकेशन करना है तो चलिए एग्जाम्पल्स सीखते हैं हम लोग फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इंटू वाटर ये तो अभी सीखा हम लोगों फिजिकल चेंज है नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड कुकिंग ऑफ फूड में होता क्या है तो हम लोग जो खाना पकाते हैं खाना पकाने के बाद फिर से हमें जो रॉ मटेरियल था मिल सकता है नहीं तो ऐसे क्यों बिकॉज जैसे हम उन्होंने खाने को पकाने के लिए रखा उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया और उसी की वजह से नए सब्सटेंस बनते गए तो ये सब कौन हो गया केमिकल चेंज थर्ड इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ मैंगो जो हम लोग रॉ मैंगोज देखते हैं वो रॉ मैंगो आफ्टर सम डेज राइफन मैंगो मतलब येलो कलर में चेंज होते तो ऐसा क्यों बिकॉज जो रॉ मैंगोज थे उसके अंदर के साइड में चेंज होते गए और उन्हीं चेंजेस की वजह से वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमें पूरा का पूरा मैंगो राइफन फॉर्म में मिल गया मतलब ये भी कौन हो गया केमिकल चेंज देन फोर्थ पॉइंट इज मिल्क टर्नड इन टू कर मतलब दही जो हम लोग हमारे खाने के साथ खा सकते हैं हमें जो मिल्क मिलता है उस मिल्क के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उन दोनों पॉइंट्स की वजह से ये कंप्लीट मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज होता है तो हमें मिल्क जो है वो कर्ड से फिर से मिल सकता है तो आंसर इज नो तो इसका मतलब ये क्या हो गया केमिकल चेंज देन इवेपोरेशन ऑफ वाटर इफ यू गिविंग हीट टू द वॉटर अगर आप पानी को हीट करते हो तो पानी का कन्वर्जन इस वाटर का कन्वर्जन किस में होगा वेपर में मतलब लिक्विड फॉर्म का क्या बन जाएगा गैशियस फॉर्म लेकिन उसी गैशियस को अगर हम लोग फिर से कूल करते हैं तो मुझे फिर से क्या मिलेगा लिक्विड मतलब वाटर टर्न्स इनटू टू वाटर वेपर बट वाटर वेपर अगेन टर्न्स इनटू वाटर सो इट इज अ फिजिकल चेंज नंबर डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक अगर हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो कहा जाएगा इन द स्टमक स्टमक में वेरियस एसिड्स होते हैं डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो उसे कंप्लीट केमिकली रिएक्शन के अंदर एड करते हैं और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है मतलब हम लोग ने जो खाना खाया है वो किसी और सब्सटेंस में टर्न होना स्टार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं तो ये भी क्या हो गया केमिकल चेंज देन द साइज रिडक्शन ऑफ नेफ्था बॉल्स एक्सपोज्ड टू एयर नाउ नेफ्था बॉल्स क्या होते हैं तो आपके घर में कबरड में वाइट कलर के बॉल्स होते हैं जो हमें हमारी मम्मी जो होती है वो कबरड में कपड़ों के सेफ्टी के लिए रखती है तो उसी नैफ्ता बॉल्स को अगर हम लोग एक्सपोज करते एयर में आफ्टर सम टाइम वो सीधा हवे में उड़ जाएंगे क्यों बिकॉज उनका सीधा डायरेक्टली एयर के साथ रिएक्शन होता है और उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें वो नैफ्ता बॉल्स फिर से नहीं मिल सकते मतलब इधर भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो ये भी क्या हो जाएंगे केमिकल चेंज देन द स्टेनिंग ऑफ शाहबादी और कड़प्पा टाइल बाय लेमन जूस अगर आपके घर की जो फर्श होती है उसके ऊपर या फिर कोई कड़प्पा होगा उसके ऊपर अगर लेमन जूस गिर गया तो फिर उसके ऊपर दाग धब्बे आ जाते तो ऐसा क्यों होता है बिकॉज़ हमारा जो कड़प्पा जो फ़र्श है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है और लेमन जूस के अंदर क्या होता है साइट्रिक एसिड तो ये जो साइट्रिक एसिड है वो साइट्रिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ केमिकल केमिकल रिएक्शन रिएक्शन करता है और इसी की वजह से एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो हमें दाग के फॉर्म में दिख जाता है मतलब यहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब ये भी कौन हो गया केमिकल चेंज देन द लास्ट इज ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट अगर कोई भी ग्लास का ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर गया तो वो ब्रेक हो जाएगा टूट जाएगा सिर्फ उसका शेप एंड साइज चेंज होगा लेकिन वो जो एक्चुअल मटेरियल है जो ग्लास है वो तो वही सेम होगा मतलब इसमें भी सब्सटेंस सेम टू सेम है चेंज नहीं हुआ है तो ये क्या हो गया फिजिकल चेंज तो अगर आपको ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का टॉपिक समझ आ गया तो चलिए केमिकल चेंज के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो एक्चुअली कैसी होती है और किस तरह की होती है उसे जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक में तो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दे हैव गिवन अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म इन न्यू सब्सटेंसिस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स केमिकल रिएक्शन में होता क्या है जो अपना ओरिजिनल सब्सटेंस है उस ओरिजिनल सब्सटेंस के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो बॉन्ड्स ब्रेक, ब्रेक होने के बाद न्यू सब्सटेंस के साथ वो बॉन्ड्स फॉर्म करके न्यू बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं और उसी न्यू बॉन्डिंग की वजह से न्यू सब्सटेंस बन जाता है केमिकल रिएक्शन में यही सीखा हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस के जो एक्चुअल बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद न्यू सब्सटेंस के साथ वो नए बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं और उन्हें न्यू बॉन्डिंग की वजह से न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है और ये सब जिस प्रोसेस में होता है उसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं तो चलिए ये सब हम एक एग्जांपल्स के फॉर्म में सीखते हैं एग्जांपल एकदम सिंपल दिया हुआ है फर्स्ट ये जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं ये कौन है एटम्स किसके हाइड्रोजन के नीचे भी कौन है हाइड्रोजन के एटम्स है तो ये हो गया उसका फर्स्ट ऐटम ये सेकेंड अगेन ये भी फर्स्ट ऐटम ये भी सेकेंड तो ये जो दो एटम्स है ये दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग किए हुए तो ये जो दो एटम्स मैंने लिए हाइड्रोजन के इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के भी यहाँ पे दो एटम्स है ये फर्स्ट ये सेकेंड तो ये जो दो एटम्स है ये भी क्या हो गया बॉन्ड तो जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली फॉर्म होते हैं तो वो अपने ओरिजिनल बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं और एक दूसरे के साथ न्यू बॉन्ड्स बनाते हैं जिनकी वजह से हमें न्यू सब्सटेंस मिल जाता है जिसका नाम है वाटर तो यहाँ पे हुआ क्या कि दो जो दो सब्सटेंस थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उनके जो ओरिजिनल बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए और ब्रेक होने के बाद इन दोनों ने मिल अपने बॉन्डिंग के साथ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म किए और उसी न्यू बॉन्डिंग की वजह से न्यू सब्सटेंस बन गया तो ये पूरा कंपोनेंट पूरा फॉलोइंग जिस प्रोसेस में हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस तो ये डायग्रामेटिकली हुआ अगर इसी को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो फिर वो कैसे होगा तो वो होगा ऐसे दैट इज टू एच टू ओ टू एच टू प्लस ओ टू गिव टू टू एच टू ओ टू एच टू प्लस ओ टू गिव टू टू एच टू ओ एच टू मतलब हाइड्रोजन ओ टू मतलब ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ने बॉन्ड्स ब्रेक करके न्यू बॉन्ड्स बनाए और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया जो है एच टू ओ राइट तो चलिए इसी केमिकल रिएक्शंस के और भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स है कंपोनेंट्स है वो सीखते हैं जैसे कि नेक्स्ट इज आगे दिए हुए रिएक्टन्स एंड प्रोडक्ट्स जो कि केमिकल रिएक्शंस के पार्ट होते हैं तो रिएक्टेंट ऑन प्रोडक्ट होते क्या है तो डेफिनेशन दिए हुए द सब्सटेंस इज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है उन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स जिनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है या फिर जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को रिएक्टेंट्स बोलते हैं और इन्हीं सब्सटेंस के पार्टिसिपेशन के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसी नए सब्सटेंस को हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं राइट तो चलिए ये हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में सीखते हैं रिएक्शन आगे दिया हुआ है टू एच टू प्लस ओ टू गिवस टू टू एच टू तो अभी आपको एक सवाल देखिए आगे टू क्यों दिया हुआ है तो टू जो है वो इनके कोइफिशंट्स है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के हम लोगों ने दो मॉलिक्यूल लिए हुए और इसकी वजह से क्या हुआ है हाइड्रो एच टू ओ के दो मॉलिक्यूल्स बने तो ये जो नंबर टू दिया हुआ है वो क्या होगा एच टू का कोईफिशियंट और ये हो गया एच टू का कोफिशियंट तो इनमें से रिएक्टन कौन सा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट्स मतलब जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जिनकी वजह से रिएक्शन होती है तो यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट किसने किया है तो सबसे पहले कौन होगा हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होके न्यू सब्सटेंस बना जो कौन सा है एच टू राइट तो एच टू इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो अगर एच टू ओ रिजल्ट है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे प्रोडक्ट्स और अगर एच टू एंड ओ टू अगर पार्टिसिपेट कर रहे तो वो कौन होंगे रिएक्टेंट्स तो एच टू एंड ओ टू को हम लोग क्या बोलेंगे रिएक्टन बिकॉज वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एच टू हो क्या होगा अपना प्रोडक्ट बिकॉज वो रिएक्शन के बाद रिजल्ट के फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं तो रिएक्टेंट्स मतलब सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोडक्ट मीनस सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स तो रिएक्शन के रिएक्शन के अंदर जो हमेशा पार्टिसिपेशन करते हैं उसे रिएक्टेंट्स बोलते हैं और रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उन्हें प्रोडक्ट्स बोलते हैं अगर आपको ये ईजिली समझना है तो इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ दैट इज़ रिएक्टेंट्स हमेशा रिएक्शन रिएक्शन के लेफ्ट साइड में होंगे तो प्रोडक्ट्स हमेशा रिएक्शन के राइट right साइड में होते हैं राइट right? तो यहीं पर हमारा ये कंसेप्ट भी फिनिश हो गया इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कुछ डाउट्स या डिफ़िकल्टीज है तो कमेंट करिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक्स फॉर वॉच